हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू आर क्लास ऑफ इंग्लिश एंड वी आर लर्निंग आर लिटरेचर पार्ट. इन लिटरेचर पार्ट वी आर लर्निंग चैप्टर नंबर 9. इन चैप्टर नंबर 9 वी आर लर्निंग अबाउट चैप्टर भोली. ठीक है, सो द चैप्टर इज भोली. इन भोली चैप्टर वी केम टू नो अबाउट अ गर्ल नेम्ड भोली. एक्चुअली द रियल नेम ऑफ द गर्ल इज नॉट भोली. ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस शी इज कॉल्ड भोली. As she had fallen off the court, so some part of her brain damaged and she remained mentally backward. That's why she is called a Bholi. So Bholi has to undergo so many problems in her life. How she come out with flying colors, with her so much struggle, we came to know in this story. So Bholi's life turned when she went to school. Their teacher encouraged her a lot. And she started learning. She started her education. Nobody noticed any change in Bholi, but the teacher and Bholi continue their practices. So one day when Bholi has quietly grown up, then the parents thought to get her married. They accepted the proposal of Bishambhanath, who is a very well-to-do grocer, who has his own house, who has a big bank balance. Okay, who has his own shop. That's why they accepted Bishambhar's proposal. When Bishambhar came there, it was a grand occasion. Everybody amazed to such a grand procession, because there was a band party who was playing a tune from a filmy song, and then everybody amazed to see such a luxurious and splendor occasion. Now what happened, that at the time of garland ceremony, a lady slipped the veil from Bholi's face, and when Bishambhanath took a glance, he at once startled to see the black poke marks on her face. Now what happened, let's read more. So Bishambhanath asked one of his friend, have you seen her? Bishambhanath ne pucha apne ek friend se, kya tumne use dekha, uske chehre pe to kya hai, poke marks hain. तो उसका फ्रेंड कहने लगा, सो वर्ड्स, तो क्या हुआ, यू आर नॉट यंग इधर, तुम भी तो जवान नहीं हो. और विश्वामनाथ क्या जवाब देता है, मे बी, हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मैं उससे शादी करता हूँ, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़. तो फादर को मुझे कितने देने होंगे, 5,000 रुपये देने होंगे. और ठीक है, तो रामलाल ने जब ये बात सुनी, तो ही वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फिट. तो रामलाल वहाँ पे गया, उसने अपनी पगड़ी बिशंबरनाथ के पैरों में रख दी, अपना सम्मान, अपनी पगड़ी रख दी, और क्या बोला, डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मेरा इतना मजाक मत उड़ाओ, मेरा अपमान मत करो. ह्यूमिलेट का मतलब क्या होता है, इंसल्ट करना होता है. ठीक है, इंसल्ट करना. टेक 2,000 रुपीज़. वो कहता है 2,000 रुपये ले लो. नो, विशंबरनाथ बोला नहीं, 5,000, या तो 5,000 रुपये दो या फिर हम वापस जा रहे हैं, अपनी डॉटर को अपने पास रखो. बी अ लिटल कंसिडरेट, थोड़े से तो दयालु बनो प्लीज़. इफ़ यू गो बैक, अगर तुम चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो गांव में मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊँगा. देन आउट विद 5,000, तो चलो 5,000 रुपये निकालो. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस. ठीक है, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे. रामलाल अंदर गया, तिजोरी खोली, काउंटेड आउट द नोट्स एंड ही प्लेस द बंडल ऑफ नोट्स एट द ब्राइडग्रूम्स फिट. यानी कि बिशंबरनाथ के पैरों में वो बंडल रख दिया. ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल. बिशंबर के चेहरे पे एक जीत की स्माइल छा गई. क्यों? बिकॉज ही हैड गैम्बल्ड एंड वन. क्योंकि उसने तो जुआ खेला था और अब वो जीत चुका है. दैट्स वाई ही वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव 5,000 रुपीज. गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस. और क्या बोला, अब मुझे माला दे दो, वो ऐसे बोला. तो बट वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम ब्राइड्स फेस. एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट हट गया. बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट. पर ये क्या, इस बार उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी. शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड. वो अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ देख रही थी. एंड इन हर आइज देर वॉज नीदर एंगर नोर हेट. ना तो आंखों में कोई गुस्सा था, ना कोई नफरत थी. ओनली कोल्ड कॉन्टेम्प्ट, सिर्फ था तो क्या था, एक इरिटेशन, घृणा भरी हुई थी बस उसकी आँखों में. बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बट बिफोर ही कुड डू सो, बिशंबर ने माला उठाई ताकि वो दुल्हन के गले में डाल दे, लेकिन वो ऐसा कर पाता इससे पहले क्या हुआ, भोली हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग. भोली का हाथ बिजली जितनी तेज गति से आगे बढ़ता है.
द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर, और जो वो माला थी वो कहाँ गिर गई, वो आग में गिर गई. शी गॉट अप, वो खड़ी हो गई, एंड थ्रू अवे द वेल, और अपना घूंघट भी हटा दिया. पिताजी क्या बोली, पिताजी टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले लो. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस इंसान से शादी नहीं करने वाली हूँ. रामलाल वॉज थंडरस्टक, रामलाल तो बिल्कुल हैरान रह गया. गेस्ट बिगिन टू विश्पर, गेस्ट आपस में बातें करने लगे. सो शेमलेस, सो अगली, सो सेमलेस, इतनी ज़्यादा निर्लज, इतनी ज़्यादा कुरूप लड़की. तो क्या बोले, भोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल. रामलाल चिल्लाया, भोले तुम पागल हो गई हो. यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली का अपमान करना चाहते हो. हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, हमारे ऑनर के लिए, हमारे रिस्पेक्ट का तो कुछ ख्याल करो. तो भोली कहती है, यस फादर, फॉर द शेक ऑफ योर रिस्पेक्ट आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आपकी इज्जत के लिए, आपके ओनर के लिए ही मैं इस लंगड़े और बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए रेडी हो गई थी. बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कॉन्टेम्पिटेबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन इतना नीच, इतना लालची और इतना घृणित इंसान, इतना कायर इंसान मुझे अपने हस्बैंड के रूप में नहीं चाहिए. आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मैं शादी नहीं करूँगी. व्हाट ए शेमलेस गर्ल, कितनी निर्लज लड़की है. वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, हमने तो सोचा था कि ये तो बिल्कुल गूंगी गाय है जो किसी को कोई हार्म कर ही नहीं सकती. भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, भोली बुरी तरह से उस बूढ़ी औरत पे चिल्लाई. हाँ आंटी, यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हो. You all thought I was a dumb driven cow. आप सभी सोच रहे थे कि मैं एक गूंगी गाय हूँ जिसको किसी भी तरह से बाहर निकाला जा सकता है. That's why you wanted to hand over me to this heartless creature. और इसीलिए आप मुझे इस निर्दयी इंसान को सौंपना चाहते थे. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. लेकिन अब यही गूंगी गाय, ये हकलाने वाली मूर्ख लड़की बोल रही है. Do you want to hear more? क्या और को सुनना चाहती हो? इसी पे विशंबरनाथ अंसारी, जो ग्रोसर था, जो हस्बैंड बन के आया हुआ था, जो ब्राइड ग्रूम बन के आया हुआ था, नाउ स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, अब अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगता है. द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, तो अब बैंड वालों ने सोचा कि अब ये सेरेमनी एंड हो चुकी है. एंड स्टक अप आ क्लोजिंग सॉन्ग, और क्लोजिंग सॉन्ग उन्होंने बजा दिया. तो इस तरह से शादी हुई नहीं है भोले की, सारे वापिस चले गए हैं. नाउ रामलाल स्टूड रोटी टू द ग्राउंड, बेचारा रामलाल तो ज़मीन में जड़ बन के खड़ा रहा. ही इज़ हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसका सिर तो दुख और शर्म दोनों चीज़ से झुका रहा. फ्लेम ऑफ सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और उस जो पवित्र अग्नि थी उसकी ज्वालाएं भी अब खत्म हो चुकी थी. एवरीवन वाज गोन. रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और क्या कहने लगा, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा. व्हाट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे. सुलेखा, सुलेखा बड़े प्यार से आवाज़ में बोलती है. दैट वॉज वेरी काम एंड स्टडी, जो कि बहुत ज़्यादा शांत थी, लेकिन कैसी थी, दृढ़ थी. स्टडी का मतलब क्या होता है, दैट इज़ वेरी स्ट्रोंग थी. डोंट यू वरी पिताजी, डोंट वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, आपके बुढ़ापे में मैं माँ की और आपकी सेवा करूँगी. एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पर मैंने भी कुछ सीखा है. इज़न्ट दैट राइट मैम, वो अपनी टीचर की तरफ इशारा करके बोलती है कि क्या ये बात मैम ठीक नहीं है, क्योंकि टीचर भी ये सब कुछ एक कोने में खड़ी खड़ी सुन रही थी, सारा ड्रामा देख रही थी. तो वो क्या बोली, हाँ भोली बिल्कुल तुम सही कह रही हो. एंड इन हर आइज़, किसकी आइज़ में, टीचर की आइज़ में, स्माइलिंग आइज़ में, देयर वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, उसके सेटिस्फैक्शन होने की एक चमक थी. कैसी चमक थी वो, दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कॉन्टेम्पलेटिंग द कम्प्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वो सोचता है. कॉन्टेम्पलेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, डीप थिंकिंग होती है, ठीक है, डीप थिंकिंग करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है. जब वो डीप थिंक करता है अपने मास्टरपीस के कंप्लीट होने पे, सो व्हाट इज़ द मास्टरपीस फॉर द टीचर, भोली इज़ द मास्टरपीस ऑफ द टीचर. वाई, बिकॉज शी ट्रांसफॉर्म्ड भोली, शी ट्रांसफॉर्म्ड अ विटलेस फूल गर्ल इनटू अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल हु नाउ कैन टेक हर डिसीजन विच वुड बी राइट एंड रॉन्ग फॉर हर. दैट्स वाई भोली इज़ कंसिडर्ड एज अ मास्टर पीस ऑफ आर
life. So in this way we see that at the end Bholi has now transformed into a very strong, into a very confident girl who can take her decision very well. That's why the ending is very good. Girl has achieved everything with the help of education. Actually, through this chapter the writer want us to understand the value of education, that it can imbibe good qualities in a person, like the confidence and like understanding to deal with the matters also. So in this way I hope that you understand this topic very well. If you have any doubt, then ask me. Till then, thank you very much. Have a nice day.